हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स चैप्टर इंडेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख ले, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर के लिए सबसे पहले इंडेक्स नंबर होता क्या है स्कॉलर्स? टाइम चेंजेस, वैल्यू ऑल्सो चेंजेस। जैसे जैसे समय चेंज होता है वैसे वैल्यू भी चेंजेस होती है। तो इंडेक्स नंबर में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आपके पास क्या मिलेगा आपको क्वेश्चन के अंदर, बेस ईयर, और एक आपको क्या देखना है, करंट ईयर। तो बेस ईयर का जो प्राइस होगा उसको आप क्या बोलोगे, P0 से डिनोट करोगे, और करंट ईयर का जो प्राइस होगा उसको आप किससे डिनोट करोगे, P1 से डिनोट करोगे। अब हम बात करते हैं क्वांटिटी के बारे में। तो सेम एज इट इज़ क्वांटिटी के बारे में भी, सपोज अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा 2010 यानी कि 2010 और 2020, तो आपको पता होना चाहिए जैसे करंट ईयर कौन सा है 2020, तो उसको आप किससे डिनोट करोगे, Q1 से डिनोट करोगे, और जो बेस ईयर है दैट इज 2010 उसको आप किससे डिनोट करोगे, Q0 से डिनोट करोगे। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं इंडेक्स नंबर के अंदर, उसमें आपको P0, P1, Q0 और Q1 की वैल्यूज हमेशा आपको गिवन होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इंडेक्स नंबर के कितने टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स। सो अगर हम इंडेक्स नंबर की बात करें तो इंडेक्स नंबर के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है सिंपल, एक होता है वेटेड। सिंपल के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, एक होता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। और वेटेड के अंदर दो आते हैं, एक वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। सबसे पहले हम लोग सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, P01 से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। P1 का मतलब करंट ईयर की प्राइस आपको लेनी है, P0 का मतलब बेस ईयर का प्राइस आपको लेना है इंटू 100। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में आपको करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर का प्राइस दोनों को आपको क्या करना है, सिग्मा का मतलब होता है सम। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे, आइए अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू एन एग्जांपल। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फर्स्ट आपको कमोडिटी गिवन रहेगी क्वेश्चन के अंदर, ए बी सी डी, आपको प्राइस गिवन होंगे दोनों के। प्राइस मींस एक तो आपको 10 लिखा होगा, 20 लिखा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा बेस ईयर है और कौन सा करंट ईयर है। तो बेस ईयर प्राइस को आप किससे डिनोट करेंगे, P0 से, और करंट ईयर प्राइस को आप किससे डिनोट करेंगे, P1 से डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स। तो आपको वैल्यूज ऑलरेडी गिवन होगी क्वेश्चन में, सपोज यहाँ पर गिवन है 50, 40, 10, 5 और 2। 2020 का प्राइस आपको गिवन है जिसको आप P1 मानेंगे, 80, 60, 20, 10 और 6। अब आपका फॉर्मूला क्या कहता है सिंपल एग्रीगेटिव का, P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। तो आपको क्या करना है, सम करना है P1, दैट इज आपका जो प्राइस है करंट ईयर का। तो करंट ईयर का प्राइस का टोटल आपका कितना आ रहा है, 176, आपने सम कर लिया। तो इसकी वैल्यू आप कहाँ रखेंगे, 176 की सिग्मा P1 के अंदर। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे सिग्मा P0 का। तो सिग्मा P0 का आपने टोटल किया, यहाँ पर टोटल आ रहा है 107, तो उसकी वैल्यू आप अपॉन में रखेंगे, डिवाइड करेंगे इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 164.49 अप्रॉक्सीमेटली। तो सिंपल एग्रीगेटिव में केवल प्राइस का फॉर्मूला है, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। अब हम सेकंड बात करते हैं स्कॉलर्स, सेकंड है हमारा सिंपल एवरेज। तो सिंपल एवरेज के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, P01 यहाँ पर आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, सिग्मा ब्रैकेट में आएगा आपका P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। P1 मींस योर प्राइस रिलेटिव भी बोलते हैं जिसको। सो P1 आपका कौन सा होगा, करंट ईयर का प्राइस होगा, और करंट ईयर का आपको करंट ईयर का प्राइस को डिवाइड करना है बेस ईयर के प्राइस से, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ आइटम्स जो कि आपको गिवन है। तो इस फॉर्मूले पुरानी वाली मेथड के अंदर सिर्फ आपने क्या देखा था, सिर्फ प्राइस के बारे में डिनोट किया था, और वो भी इंडिविजुअल प्राइस के बारे में हमने नहीं बात की थी, हमने सिग्मा सम जितने भी प्राइस का सम हमें दे रखा है वो हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ हम सबका अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। कमोडिटी आपको गिवन है ए बी सी डी ई, P0 और P1। P0 मतलब बेस ईयर का प्राइस और P1 मतलब करंट ईयर का प्राइस। आपको वैल्यूज क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होंगी, 100, 8, 2, 201। P1 की गिवन है 200, 40, 16, 800 और 6। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, पहले आपको निकालना है P1 अपॉन P0 इंटू 100, जिसको आप किससे डिनोट करते हो, R से। R का मतलब होता है प्राइस रिलेटिव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखिए, P1 कितनी है, 200 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 200। 40 डिवाइड बाई 8 इंटू 100 500, 16 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 800, 800 डिवाइड बाई 200 इंटू 100 दैट इज 400, 6 डिवाइड बाई 1 इंटू 100 दैट इज 600। अब आपको क्या करना है, इनका सम कर लेना है, तो सम कितना आ जाएगा 2500। अब आ जाइए आपके फॉर्मूले पे,
फॉर्मूला क्या है, सिग्मा ब्रैकेट में पी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड, तो पी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड हमने सॉल्व कर लिया, जिसकी वैल्यू आ रही है हमारी 2500। तो हम इक्वेशन में लिख देंगे, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे 2500 डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो डिवाइड बाई 5, तो आपका आप जब सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 500। सो सिंपल एवरेज मेथड में आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिग्मा ब्रैकेट में आपको लिखना है पी वन अपॉन पी जीरो इंटू हंड्रेड और डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम्स। सो इस तरीके से आपका सिंपल जो मेथड है उसमें आपको दो ही मेथड ध्यान रखनी है, सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो दिस इज ऑल फॉर फर्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग वेटेड को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, थैंक यू।